हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप देख रहे हैं मूवी टाइम और मैं हूँ कमलेश। दोस्तों, इस साल की सबसे ज़्यादा अवेटेड शाहरुख खान की पठान का टीज़र आज रिलीज़ हुआ है और पोस्टर देख के जो एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि इसका ट्रेलर भी एक फाड़ू होने वाला है, वो एक्सपेक्टेशंस पर मेरे हिसाब से ये टीज़र खरा उतरता है। यशराज फिल्म ने इसे प्रोड्यूस किया है और इसके डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, जो कि इससे पहले वॉर और बैंग बैंग जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। बड़ी हिट फिल्में थी वो, एक्शन फिल्में थी, और इस फिल्म से भी वही उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, आप लोग चाहे शाहरुख खान के फैन हो चाहे ना हो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उस आदमी का एक अलग ही करिश्मा है, एक अलग ही स्क्रीन प्रेजेंस है। जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस छोड़ के जाते हैं। उनके साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण है, जो कि खूबसूरत है, और उनका इस फिल्म में होना भी फिल्म को किसी अलग लेवल पे ले जा सकता है, इतनी बड़ी वो एक्ट्रेस है। उनके साथ जॉन अब्राहम है, जो कि विलन का रोल प्ले कर रहे हैं, और पिछली उनकी काफ़ी फिल्मों में उनकी एक्टिंग का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, टीज़र के हिसाब से एक स्पाई थ्रिलर हो इस तरह का मालूम होता है। शाहरुख खान 3 साल पहले किसी मिशन पे थे और तब से वो गायब है, उनका कोई पता नहीं चल पाया है, और इतनी कहानी टीज़र से हमें मालूम होती है। लेकिन जिस तरीके से टीज़र को कट किया गया है, उसे प्रेजेंट किया गया है, जो सीन्स उसमें दिखाए गए हैं, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक उसमें दिखाया गया है, वो बहुत ही कमाल है। शाहरुख खान बहुत ही अच्छे लगते हैं एक्शन सीन्स करते हुए। जो VFX का इस्तेमाल भी अच्छा खासा लग रहा है। एक्शन फिल्म को कोरियोग्राफ बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, देखने में वो अच्छे लगते हैं। 25 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, 25 नवंबर को, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल की वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग ये फिल्म ले सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने टीज़र देखा है तो आप बताइए आपको ये टीज़र कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स दोस्तों, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।